यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कहीं से आने वाली और मटनपुर को जाने वाली, जब पेट हो खाली तो लगाओ मटन वाली थाली। स्वागत है एक नए से वीडियो में, और आज हम एक नया टेस्ट लेकर आए हैं आपके सामने खुसरूपुर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। वीडियो एक बार डाला है लेकिन नए हैं तो एक बार फिर से चलेंगे, इस जायके का एक बार हम लोग पूरा प्रिपरेशन देखेंगे, और काफ़ी खास है और स्पेशल तरीके से आज हमारा जो मटन है ना वो तैयार होने वाला है। और भीड़ आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर, अगर आप लोग आते हैं तो भाई साहब यहाँ सिर्फ ट्रेन पकड़ने ना आए, यहाँ का जायका जो है वो भी लेने आए, तो देर नहीं करेंगे क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और चलेंगे। लोकेशन जो है, लोकेशन आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आगे आना है, थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा आगे जाने के बाद फल मंडी के पास पुलिस स्टेशन है, थाना है, उसी के सामने आपको आना है और गणेश होटल जो है वहाँ पर आना है, और वहाँ का जो शानदार मटन है ना भाई साहब काफ़ी बढ़िया। तो चलिए चलते हैं, देर नहीं करते हैं और अपने स्टाइल में और अपने अंदाज में शुरू करते हैं एक नई से वीडियो को। तो चलिए लहरिया लूटते हैं अपने रेसिपी का। प्याज इसमें अभी डाला गया है और इसको पहले गलाया जाएगा, ये देख सकते हैं गाइस, ये कितना देर तक गलाया जाएगा, कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट, और तब तक जब तक हम लोग मटन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सादा खाना को निकाल दिया गया है, ये भुजिया है गणेश जी, ये तो हमको फ्राइड मटन लग रहा है, मटन समझिए के मटन ये एकदम, क्या बात है भाई साहब, 25 साल हो गया, क्या बात है। इसमें अभी क्या तैयार करिएगा गणेश जी? सब्जी बनाएंगे। सब्जी किस चीज़ का? आलू बैंगन का। आलू बैंगन का, चिकन मटन दोनों बनता है। दोनों बनता है। अगर बोला जाए सबसे यूनिक तो हम लोग, हमको क्या लगता है, हमको लगता है मटन है। मटन से बढ़िया बनाते हैं चिकन। अच्छा, मटन से भी बढ़िया चिकन बनाते हैं। कला है और है, चिकन खा लीजिएगा ना तो आपको घर पर भी बनाइएगा तो नहीं बनेगा। अरे भाई तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब तो हमको हमेशा हम लोग को यहीं पे आना पड़ेगा। उसके लिए ऑर्डर देना पड़ेगा, ऑर्डर आप दे दीजिएगा, पैसा डाल दीजिएगा, आपका सामान बन के रेडी रहेगा, जहाँ कहिएगा वहाँ पर। अच्छा, यानी स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और अगर पहले से अगर आपको बता दिया गया तो आप एकदम मटन या चिकन एकदम तैयार रखिएगा। रखेंगे वहाँ से रेडी, वहाँ से कॉल कर देना कि जो ट्रेन यहाँ रुकती है उस ट्रेन का हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जो ट्रेन यहाँ पर खुसरूपुर के हॉल्ट भी अगर यहाँ पर जो रुकेगी है ना प्लेटफॉर्म, हमको पैसा डाल देगा, उसका सामान बना कंप्लीट करके तैयार करके रखेंगे अपना ले जाकर। क्या बात है, तो हमने नंबर आपका डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लोग संपर्क कर लेंगे। और फिलहाल ये देखिए भाई साहब, उससे पहले हम प्याज सिझाते तब जाकर मटन डालते हैं। अच्छा, पहले प्याज? पहले प्याज सिझाते हैं। कितना पहले मटन सिझाता है, हम पहले प्याज सिझाते हैं। क्या बात है, तो प्याज को मतलब हल्का कितना पानी लगभग डालते हैं इसमें? एक लीटर, क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है ना। अच्छा, और ये मटन लगभग कितना देर में तैयार होता है गणेश जी आपका? 20 से 25 मिनट। 25 मिनट में मटन तैयार कर दीजिएगा? अरे क्या बोल रहे हैं आप, 25 मिनट में मटन तैयार कर दीजिएगा? अरे भाई साहब, इतना मटन लगभग हमारा तैयार हो रहा है, 5 केजी हो रहा है, फिर 12-1 बजे के करीब में 4-5 केजी होगा, फिर 2 बजे के करीब में 5 केजी। अच्छा। गर में बनाना है देना। ओ, यानी कि 5-5 केजी का आप लॉट लगाते रहते हैं, 2-3 बार लॉट लगते रहता है ना? अच्छा, यानी कि लगभग 15-20 केजी डिपेंड करता है, उतना तो चल ही जाता है। क्या बात है, और चिकन कितना रहता है लगभग चिकन आपका? चिकन रहता है ऐसे पीस पर देते हैं 40 रुपया, ऐसे 520 रुपये में आपको 1.25 किलो के चिकन बन के मिल जाएगा, उसके साथ सलाद रहेगा। अरे वाह, ये तो आपका कंसेप्ट एकदम तगड़ा वाला कंसेप्ट है। और मटन का कितना, चिकन का कितना क्वांटिटी आ जाए, कितना लगभग चिकन तैयार होगा? चिकन अब मान के चलिए 2-2 किलो का उसमें भी लॉट लगाते हैं। अच्छा, इसमें 5-5 किलो का लगाते हैं, इसमें 2-2 किलो का लॉट लगाते हैं, इसलिए बढ़िया बनता है, बढ़िया बनता है, भुंजाता है बन जाता है। तो 20 मिनट में आप कैसे मटन तैयार कर देते हैं? एक तरफ मटन डाल देंगे, एक तरफ मसाला फ्राई करेंगे। क्या बात है भाई साहब, ये देखिए भाई, ये प्याज गलना शुरू, क्या बात है, एकदम देहाती वाला आँच है भाई साहब। मटन देखिए अभी डाला जा रहा है, ये देखिए एकदम मटन, अभी 5 किलो जो मटन है अभी इसमें डाला जा रहा है। तो गणेश जी, मतलब यहाँ मटन बहुत लोग बाहर में खाना पसंद नहीं करते, बहुत लोग को लगता है कि पता नहीं मटन हमको सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या बोलिए? यहाँ गड़बड़ सड़बड़ नहीं होता, गड़बड़ सड़बड़ नहीं होगा, यहाँ देहाती है, देहात है, और देहाते का ही मटन बनता है। देहाती मटन? देहाती मटन। अच्छा, एकदम देहाती मटन बनेगा, क्या बात है। तो ये देखिए भाई साहब, ये मटन चला गया है, ये देखिए भाई साहब, थोड़ा सा नमक गया, तो नमक लगभग अंदाज से है ना, क्या हल्दी पाउडर ओरिजिनल घर का, ऐसा घर का पिसा हुआ है, कोई मार्केट से नहीं, मतलब शुद्ध एकदम घर से पिसवा के लाते हैं। वाह भाई साहब, ये देखिए, तीनों हल्दी मिर्चाई धनिया। अच्छा, हल्दी मिर्चा धनिया तीनों मिला हुआ है? तीनों मिला हुआ, पत्ता उसमें डाला हुआ। वाह वाह, बहुत लोग रेसिपी नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि मेरा सीक्रेट मसाला है, हम बता देंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, आपका क्या बोलना है? हम इसमें झूठ नहीं बोलते हैं। क्या बात है, के सामने खिलाते हैं ग्राहक को, ग्राहक खुश, हम भी खुश, मतलब जो है एकदम सामने सामने। मटन तो ऐसे यहाँ से खाली
चूरे का अस्सी देखिए। अरे वाह, मतलब तो मटन आपका लग रहा है 20 मिनट वाला मटन जो बोल रही, कहीं 10 मिनट वाला ना हो जाए, लेकिन 20 मिनट में हम मटन हमने कहीं नहीं देखा है। मटन यहाँ बच्चा का रहता है, बढ़िया मटन रहता है, देहाती मटन तो देहाते का ओरिजिनल हो गया। अच्छा, छोटा वाला खसी जो होता है 5-6 kg के रहता है। 5-6 kg वाला रहता है। यह चार पत्ता, ये है तेज पत्ता। अच्छा, भाग देते हैं। लगभग कितना देर के लिए? 20 मिनट। 20 मिनट। ये सब घर का पिसवाया हुआ मसाला है। अच्छा, ये देखिए भाई साहब, इसमें क्या क्या मिला हुआ है? हल्दी, मिर्चाई, धनिया, चार पत्ता, हल्का गोलकी जीरा भी डाल देते हैं। अच्छा, सब कुछ मतलब मिक्स कर दिए हैं, क्या बात है। ये देखिए बैगन का सब्जी, देखिए भाई साहब लगता है कि कलेजी भुना रहा है, एकदम कलेजी भुना रहा है। क्या बात है, मतलब भेज वाले लोग को भी आप खुश कर दिए एकदम कलेजी बोल के बैगन को। आ भाई साहब, लग रहा ना कि कलेजी है। कलेजी तो खैर बाद में है, लेकिन आपका मसाला इतना स्ट्रांग है ना कि हमको यहाँ तक लग रहा है एकदम कि हम कब छींक ना दें वीडियो में। लेकिन भाई साहब देखिए क्या बात है भाई साहब। ये भाई साहब ये क्या कर रहे हैं गणेश जी? तेल निकाल रहे हैं सर जी, तेल। अच्छा, एकदम स्कूटर ब्रांड यूज करते हैं? अच्छा, ये देखिए भाई साहब ये भुजिया देखिए, ये तो हमको लग रहा है प्रॉन्स है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रॉन्स है क्या? यस सर, ये लग रहा प्रॉन्स है, एकदम वेज प्रॉन्स है। और ये देखिए भाई साहब, तो गणेश जी इसमें क्या हेड लगा हुआ? इसमें लहसुन है। हाँ, और गोलकी जीरा भी इसमें डाला हुआ है, इसमें मिर्चा में। अच्छा, घर का भी मसाला है। अच्छा, में पिसा का घर का भी मसाला है। तो ये देखिए भाई साहब क्या है गणेश जी? गोलकी जीरा गरम मसाला इसमें है। गोलकी जीरा गरम मसाला? अच्छा, गोलकी जीरा गरम मसाला पिसा जाता है। अच्छा, ये भी पिसा के आता है। हरा गरम मसाला लेते हैं, 1 kg लेते हैं, 1400 रुपये किलो देता है। अच्छा, 1 kg ले लेते हैं और पावर 4 जगह उसको कर देते हैं। अच्छा, और उसमें 1/2 kg गोलकी, 1/2 kg जीरा। अच्छा, 250 ग्राम गरम मसाला पिसवा देते हैं। क्या बात है, मतलब सब कुछ मतलब एकदम रेशियो से पिसवा देते हैं। वाह, तो इससे आपका स्वाद भी बना हुआ रहता है। ये देखिए भाई साहब, ये गणेश जी ये क्या कर रहे हैं अभी? इसमें तेल जा रहा है मटन के लिए। अच्छा, मटन के लिए, तो मटन तो उसमें मतलब चढ़ाया गया है, तो इसमें क्या होगा? मसाला भुन जाएगा। अच्छा, ये बिरयानी जो मसाला होता है, ये देखिए भाई साहब तेल लगभग कितना गया है इसमें? कम से कम 1 लीटर। 1 लीटर तेल, जीरा, गोल की जीरा। ये देखिए गाइस, लाल मिर्च डाल रहे हैं मसाला फ्राई होने के लिए। अब इसमें प्याज जाएगा, लाल होगा तब। यह है मटन का प्याज, उसमें फ्राई होगा। अच्छा, ये प्याज कितना है लगभग? लगभग 1.5 kg। 1.5 kg। अच्छा, क्योंकि उसमें भी प्याज गया हुआ है। उसमें भी गया है। उसमें प्याज है लगभग वही 3.5 kg के। 3.5 kg, यानी लगभग मानिए तो आपका 5 में 5। 5 में 5। क्या बात, गाढ़ा होता है ना, पतला थोड़ी देता है पानी की तरह। अच्छा, पूरा एकदम गाढ़ा झोड़। ये देखिए प्याज, और ये देखिए भाई साहब मटन का फ़ौरन का तड़का एकदम लग गया है। काफ़ी अलग तरीके से यहाँ मटन तैयार हो रहा है। घर में पहले बनता था उसी तरीका से बनता है। अच्छा, पहले ये देखिए भाई साहब, ये है गरम मसाला, कुछ खड़ा भी डाल देते हैं। अच्छा, कुछ खड़ा भी डाल देते हैं, क्या बात है एकदम। ये देखिए एकदम प्याज पर ऐसा गरम मसाला देखिए, कभी पड़ा है? नहीं पड़ा है तो यहीं पड़ेगा। या भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। अब तो 20 मिनट में मटन बन जाएगा ना, तो देख लिया आपके सामने, झूठ तो नहीं बोल रहा है। एकदम सही बात है, मतलब हमको लगभग अभी मतलब मान के चलिए 8 से 9 मिनट हुआ है तसला लगे हुए। और अच्छा, ये जो मटन इतना जल्दी आप तैयार हो जा रहा है 20 मिनट, जो कि पीस भी आप दिखाएं हाथ से छूकर बहुत मतलब सॉफ्ट अभी ही लग रहा है, तो इतना जल्दी कैसे बन जा रहा है? मटन यहाँ का देहाती मटन है, बढ़िया मटन रहता है, खाइएगा तो ईशुशान के भी खाइएगा तो स्वाद लगेगा। अच्छा, मतलब ऐसा मटन मटन ऐसा रहता है मटन ऐसा, तो मतलब अगर मटन अच्छा है तो उसको सीजने में बहुत देर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। मुर्गा से भी पहले तो अगला लोग मटन से जाता, हम तो पहले प्याज से झाड़ दिया। अच्छा, सही बात है, बाद मटन डाले। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि मटन का पहचान कैसे है? अगर लोग मटन खाते हैं बाहर में तो कैसे मतलब समझेंगे कि ओरिजिनल मटन है या नहीं है? मटन का रंग बताएगा आपको, लगेगा सफ़ेद टाइप का देखने में, और बकरी उकरी का रहेगा नज़र लाल लगेगा, एकदम रेशा की तरह एकदम लगेगा कि काला टाइप, कालापन टाइप का लगेगा। अच्छा, क्या पसंद करते हैं इसके साथ, चावल खाना पसंद करते हैं या रोटी खाना? चावल, रोटी, लिट्टी तीनों। अच्छा, लिट्टी भी? लिट्टी भी बनाते हैं, ओरिजिनल सत्तू का लिट्टी बनाते हैं। अच्छा, मतलब मसाला बन रहा है। अच्छा, ये मसाला इसका तैयार हो रहा है सत्तू का। लहसुन 400 रुपये किलो, फिर भी लहसुन डाल रहे हैं। अच्छा, 400 रुपये किलो में भी आप लहसुन डाल रहे हैं? डाल रहे हैं। क्या बात, अगर कभी आने में दिक्कत हुआ तो
गणेश जी का हमने नंबर डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार उनसे कॉन्टैक्ट करके संपर्क कर लेंगे। ट्रेन में अगर जा रहे हो भैया और अगर यहाँ रुके हुए हों तब भी गणेश जी को याद करें। क्या गणेश जी? यस, याद कर लीजिए, यहाँ का मटन चिकन खा के देख लीजिएगा। अगर आपको ये ट्रेन खुशीपुर में अगर रुकती है तो पटना उटना से हमको नंबर पर फ़ोन कर देंगे, पैसा डाल देंगे, उनका सामान तैयार हो जाएगा। अगर उसका ट्रेन छूट जाएगा तो फिर उसका पैसा भी हम वापस कर देंगे। अरे वाह, मतलब एकदम, मतलब नो रिस्क नो गेम, नो रिस्क नो गेम। या भाई साहब, मतलब टेंशन नहीं लेना है, नहीं लेना कि मतलब प्लेटफॉर्म छूट गया कहीं ऐसा ना है कि भैया मेरा पैसा चला गया, ये बताइए है कि नहीं, उसका पैसा भी वापस। क्या बात है भाई साहब। और गणेश जी यहाँ पर 25 सालों से खिला रहे हैं एकदम इसी देसी स्टाइल में। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास आप आइएगा तो फाटक के पास कहीं पर भी पता करिएगा तो गणेश जी का वहाँ पर आपको होटल जो है कोई भी लोग बता देंगे। गणेश होटल है, गणेश और भी होटल है तो उसमें भी जाता है तो आदमी लोग झूठ बोल देता कि यही है गणेश। अच्छा। बाकी गणेश होटल का बैनर देख के आइएगा। सही बात है, मतलब ऐसा भी चलता है यहाँ पे, जितने को कहता यही है गणेश का होटल। अरे क्या बात है, कोई बात नहीं, आप इतना फेमस हो रहे हैं तो आपके नाम पर और भी लोग, 2-3 लोग भाई है, शिकायत मिला है। चलिए क्या बात है, खाने के लिए आपको जैसे भटके पड़ेगा हमारा खोजने के लिए। एकदम सही बात है, मतलब आप रहिएगा यहीं पर लेकिन मिलिएगा बड़ा मुश्किल से, बड़ा मुश्किल से। चिकन मेरे यहाँ का खा के देखेंगे ना भाई साहब, बाहर के भी होंगे ना, मेरा नंबर पर कॉल करेंगे, उनको चिकन हम खिला देंगे, कहेंगे कि भैया ऐसा मटन तो हम जीवन में नहीं कभी खाए। अच्छा ऐसा? हाँ, मटन या वो चिकन। क्या बात है भाई साहब, ऐसा मटन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं का भी है यहाँ आके मेरे यहाँ एक मरते आके अगर खाएंगे तभी उनको समझ में आएगा कि हाँ मटन या चिकन यहाँ का खाएं। क्या बात है, और कितना देर में मटन हमारा तैयार होगा? बस आपके सामने ही ना, 20 मिनट बोले, 20 मिनट में, 20 मिनट में मटन तैयार करिएगा। हो गया कि करेंगे, मतलब 20 मिनट में, मतलब आप, मतलब क्या बात है, मतलब ट्रेन भी नहीं छूटेगा, ट्रेन जितना देर में लगा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, मटन तैयार। ये देखिए भाई साहब, ये गया मसाला, मसाले में क्या है ये? हल्दी, मिर्चा, धनिया। अच्छा, हल्दी, मिर्चा और धनिया। और ये गया गोलकी जीरा हो गया, लहसुन डाल दो। ये देखिए भाई साहब, लहसुन है, ये है लहसुन और आपका पिसा हुआ मसाला है, पिसा हुआ मसाला, उसमें भी मसाला, इसमें भी मसाला। ये देखिए भाई साहब, ये कौन सा मसाला है चाचा? लाल, अच्छा लाल मिर्च है, थोड़ा सा लाल मिर्च ऊपर से डाला गया। और कलर देखिए भाई साहब कितना बढ़िया, मतलब मसाले जो है ना एकदम अलग ही स्टाइल के मसाले हैं, दिल खुश हो गया है मतलब। और ये देखिए बस, थोड़ा सा पानी डालकर इसे चलाया जा रहा है, भुना जा रहा है। तो पहले आप गणेश जी मतलब मसाल, मतलब मटन ही तैयार कर देते हैं? पहले मटन ना, पहले तो सादा खाना होता है, बाद मटन होता है। मतलब इसमें आप मटन के प्रोसेस में पहले तो आप मटन ही तैयार कर दिए? पहले मटन तैयार, उसके बाद मसाला तैयार हो, उसके बाद मसाला तैयार हो गया। क्या बात है, तो ये जो आप रस गिरा रहे हैं, ये जो पानी है इसका, ये क्या करिएगा इसका? इसी में डलाएगा। अच्छा, वो इसमें डलाएगा। और ये देखिए, ये जो प्याज, ये प्याज का पानी जो है निकाल दिया है, फिर लास्ट में डलाएगा। अच्छा, यानी कि आप नॉर्मल पानी का जगह जो है ये प्याजे का पानी आप यूज कर लिए? प्याजे का पानी। वाह, क्या तरीका है भाई साहब। और मटन भाई साहब एकदम उझल दिया गया, बारिश हो गया मटन का, प्याज का बारिश होता था, मटन का बारिश हो गया है जी। आ हा हा हा, अच्छा मटन को एकदम डाल दिया गया, मटन का बारिश हो गया और इसी मसाले में एकदम मटन को एकदम भूजा जा रहा है। मीट मसाला का, अच्छा मीट मसाला का, मीट मसाला का थोड़ा सा पाउडर डाल दिया गया सुगंधी आने के लिए। ये कलर देखिए भाई साहब, क्या कलर है, तो एकदम ये तो लग रहा भुना हुआ आप मटन है। मटन तो हड्डी छोड़ दिया, मटन हड्डी छोड़ दिया इतने देरी में, वाह बोलता हूँ। क्या बात है भाई साहब, ये देखिए भाई कलर तो देखिए भैया, ये देखिए भाई साहब, ये जो इसके जो निकाले गए थे प्याज के रस, जो रस थे और जो पानी थे, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए क्या रोगन है भाई साहब, रोगन का कलर तो देखिए, थोड़ा सा बचा हुआ जो पानी है वो ऊपर से डाल दिया गया, रोगन देखिए भाई साहब एकदम रोगन एकदम, क्या बात है एकदम, ये तो एकदम मतलब सब कुछ रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा चलाया जा रहा है। तो स्टेशन पहले से कॉल अगर आ गया तो आप तैयारी हो जाएगा? एकदम तैयारी करके उसको दे देंगे,
अथी मोबाइल पर पैसा डाल देगा ना, अगर नहीं उसको सामान मिलेगा तो उसका पैसा भी मैं वापस कर दूँगा। क्या बात है, एकदम गारंटी के साथ, जैसा टेस्ट का गारंटी आप देते हैं। जैसा टेस्ट का, और उसका 500 रुपया रख लेना, हम राजा हो जाएंगे थोड़ी। एकदम सही बात है। पटना से जो लोग देख रहे हैं, खुसरोपुर उतना भी दूर नहीं है, लोकल पकड़ के बाई रोड आप एक बार आइए और यहाँ के जायके को एक बार ट्राई करिए। और कहीं दूर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं भाई साहब, तब तो गणेश जी ने आपको बुला ही है, नंबर हमारे पास हमारे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उनसे बात कर लें और इस जायके का ट्रेन में बैठकर आनंद उठाइए भैया। क्या बात है भाई साहब, एकदम मतलब नज़र हटाने का मन नहीं कर रहा है भाई साहब। ये डाला गया है कस्तूरी मेथी, क्या रंगत है भाई साहब, कलर देखिए कितना शानदार सा कलर है। तो मटन एकदम गणेश जी हमारे एकदम लोग जो हैं ट्रेन में जो आ रहे हैं पीछे, वो एकदम तैयार हो जाएं। क्या बात है, एकदम मटन रेडी रेडी हो गया। क्या नाम हुआ आपका सबसे पहले? मेरा नाम देवराज है। देवराज जी, तो कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं कहा है। अच्छा, यही के हैं जी। तो टेस्ट कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया जी। तो मतलब मटन का जो पीस है, ये क्या पीस मतलब पूरा सीझा हुआ है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। अच्छा, हम हमेशा आते हैं यहाँ खाने के लिए। क्या खास लगता है यहाँ पे? बहुत मटन का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया। तो रोटी खा रहे हैं अभी जी? क्या बात है। तो ये देखिए भाई साहब, ये मटन का लुट उठा रहे हैं देवराज जी। चलिए आप मटन का आनंद लीजिए। 20 मिनट में तैयार होने वाला जो मटन है, मतलब इतना शानदार मटन। और देखिए भीड़ देख लीजिए आप मेरे पीछे, और क्या जायका है भैया, मतलब एकदम स्पेशल मटन है। मतलब ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म के बगल में मटन मिल रहा है तो आपको एकदम कुछ भी मटन मिल रहा है। 20 मिनट में तैयार हुआ है, और जितना देर का वीडियो है, लगभग वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही देर का है, लेकिन मटन एकदम 20 मिनट में तैयार है एकदम। और काफ़ी स्पेशल तरीके से मटन तैयार होता है, वैसे देसी आँच वगैरह है लेकिन तरीका अलग है एकदम, है ना। पहले मटन को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद फिर मसाले तैयार होते हैं, और जो उसका प्याज का जो पानी होता है ना, उस पानी से ही रोगन तैयार होता है। रोगन तो आपने देखा है भाई साहब, क्या ज़बरदस्त सा रोगन है, तसला वाला मटन 20 मिनट में तैयार होने वाला। खैर, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया इतना क्या बोल रहे हैं, आते हैं मुद्दे पर। ये देखिए भाई साहब क्या मतलब, आपके सामने अगर देखिए तो मतलब क्या मतलब, बहुत ही बढ़िया एकदम रोगन है भाई साहब, क्या खिलता हुआ रोगन है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ रोगन। देखिए भाई साहब, ये देखिए आप, देखिए रोगन कितना शानदार सा रोगन है, मतलब मज़ा आ जाएगा भाई साहब। साथ में करेले का भुजिया, ये भुजिया नहीं भाई साहब, ये तो समझिए एकदम फ्राई है मटन। मतलब क्या तरीका है भाई, भुजिया आपने देखा कितना बढ़िया शानदार तरीके से तेल डालकर भुजिया किया गया, चोखा एकदम अच्छे स्टाइल में। और ये देखिए भाई साहब, बिहारी लिट्टी, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, ये मटन और लिट्टी का कॉम्बिनेशन कितने लोग को पसंद है, कितना लोग चावल छोड़कर मटन के साथ ये लिट्टी खाना पसंद करिएगा, कमेंट करिए। और मटन और चावल के साथ खाने वाले जो कॉम्बिनेशन वाले लोग हैं वो कमेंट करिए। और चावल पे हम पहले थोड़ा सा, ये जो रोगन है ये देखिए इसको हम डालते हैं, ये देखिए भाई साहब, थोड़ा सा इसे हम इसमें मिलाते हैं, गर्म काफ़ी ज़्यादा है। और इसे मिलाने के बाद देखिए, इसे मिलाने के बाद हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। कड़क मटन है भाई साहब, कड़क मटन पे हम अभी नहीं आएंगे, मतलब जो मटन ग्रेवी है एकदम कड़क। पहला बार देखिए, आमतौर पर ना पहला बार जब जाता है तो वो मुझे फ्लेवर नहीं मिलता है, लेकिन पहला बार इतना तगड़ा फ्लेवर मुझे मिला है, कमाल है भाई साहब। बहुत सही है भाई साहब, बहुत सही है। देखिए झूठा रिव्यू नहीं दे रहा हूँ मैं, एकदम सही रिव्यू दे रहा हूँ। अगर आप आते हैं ना खुसरोपुर, एक बार गणेश जी के होटल पे आइए, फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आज ही पहले से ही बात कर लीजिए। और ये मटन जो है ना, स्पेशल मटन, अगर अभी अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, अगर ये मटन नहीं खाया ना भाई साहब, स्टू बहुत मिस करेंगे आप। वाह वाह, बहुत ही शानदार भाई साहब। मटन का जो पीसेज है ना, हम उसे निकाल रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा लिट्टी हमने तोड़ा भाई साहब, लिट्टी तोड़ा है। हाँ हाँ, ये देखिए फिलिंग, देखिए भाई साहब सत्तू का फिलिंग है एकदम प्रॉपर, जो है ना फिलिंग्स में कोई कमी नहीं है एकदम। प्याज वगैरह डालकर, मिर्चा वगैरह डालकर, लहसुन वगैरह डालकर फिलिंग्स अच्छा किया गया है।
सबसे पहले इसके साथ थोड़ा सा ग्रेवी के साथ हम इसे ट्राई करते हैं। वाह, बहुत ही शानदार भाई साहब। लिट्टी मटन वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं, एक बार ट्राई करिए, बहुत ही शानदार टेस्ट है। बिहारी जायका एक अलग ही जायका होता है, और बिहार में अगर है लिट्टी नहीं खाए तो बहुत 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 कुछ मिस कर रहे हैं। और ऊपर से अगर इस मटन के साथ अगर इस तरीके का लिट्टी का व्यवस्था रहे तो समझिए उसके सामने सब फीका है। गजब। ये देखिए, थोड़ा नज़दीक आएंगे, पीस देखिए भाई साहब, ये देखिए क्या कर रहा है भाई, ये पीस हो क्या रहा है। ये देखिए, मैं इसे पकड़ भी रहा हूँ ना, ये पीस अलग हो गया। ये क्या हो गया गणेश जी, ये क्या हो गया, हाथ में लेते हुए चम्मच से पीस कटने वाला है ये, क्या बात है भाई साहब। देखिए पीसेस जो हैं एकदम अच्छे तरीके से तैयार हैं, प्रॉपर तरीके से तैयार हैं, कहीं पर भी पीसेस जो हैं खिंचाव नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही शानदार मटन पूरे तरीके से सिझ चुका है, और मटन में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है इसके टेस्ट में। तो इस टेस्ट को लेने के लिए आपको एक बार यहाँ पे आना पड़ेगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और गणेश जी जो कि खुसरूपुर में हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास, किन्हीं से भी पूछिएगा तो पता मिल जाएगा, और थाना के सामने, और वैसे हमने नंबर दे दिया है, घबराइए नहीं। मज़ा आ गया भाई साहब। भाई मटन वाले जो हैं, मटनपुर से जो देख रहे हैं, यानी कि जिन्हें मटन पसंद है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और मिलते हैं एक नई सी जगह पे, एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज में टेस्ट का लहरिया लुटते हुए। बने रहे हमारे साथ।